नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। माफिया डॉन अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक के काफिले में कई आईएएस अधिकारी लगाए गए हैं और एसटीएफ की टीम चाक चौबंद व्यवस्था के साथ अतीक को सुनवाई के लिए प्रयागराज ला रही है, लेकिन इस बीच उसके परिवार को एनकाउंटर का डर सता रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अतीक के गुनाहों का भोगा हिसाब, यूपी पुलिस अतीक की करेगी खातिरदारी। साबरमती जेल से अतीक प्रयागराज हुआ शिफ्ट, पुलिस के सवालों का अतीक देगा जवाब। उमेश पाल हत्याकांड से उठेगा पर्दा। माफिया और नेता अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड मामले में अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। इस केस में निर्णय की तारीख 28 है, जो उसे एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाना है। अदालत के आदेश पर प्रयागराज से एसटीएफ के साथ पुलिस अधिकारी रविवार सुबह साबरमती जेल पहुंचे और अतीक को अपनी कस्टडी में लेने की कागजी कार्रवाई शुरू की। ऐसे में माफिया अतीक ने गाड़ी पलटने के डर से रोड के जरिए प्रयागराज जाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अतीक के निकलने में देरी हुई, लेकिन कागजी कार्रवाई के बाद अतीक को निकलना ही पड़ा। करीब 7 घंटे के कागजी कार्रवाई के बाद अतीक अहमद को साबरमती जेल लेकर यूपी पुलिस प्रयागराज के लिए रवाना हो गई। रात में कई जगहों पर अतीक अहमद की गाड़ी को रुकता देखा गया, हालांकि ज्यादा देर तक कहीं भी गाड़ी नहीं रुकी। अतीक को आराम का मौका नहीं मिल पाया। इस बीच राजधानी लखनऊ से लेकर प्रदेश और देश में अतीक की गाड़ी पलटे जैसे कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अतीक अहमद लगातार टॉप ट्रेंड बना हुआ है। साबरमती जेल से प्रयागराज लाए जा रहे माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा सामने आई है। वे गुजरात से ही अपने भाई के काफिले के साथ चल रही। उन्होंने कहा कि हमें आशंका है कि हमारे भाई का एनकाउंटर हो सकता है, इसीलिए हम लोग साथ चल रहे। उनके साथ कई परिवार के लोग भी चल रहे। अतीक की बहन ने कहा कि भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वे सड़क मार्ग से लाए जाने के लायक नहीं थे। इसके बाद भी यूपी पुलिस उन्हें लेकर जा रही है। हमारे भाई अशरफ को भी बरेली जेल से लाया जा रहा है। झांसी में काफिला रुकने के बाद अतीक की बहन ने मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि भाभी शाइस्ता परवीन को लेकर भी आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि मेरी भाभी कहाँ है, किस स्थिति में है। माफिया डॉन अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद को प्रयागराज पुलिस बरेली से लाने की तैयारी कर रही है। अशरफ अहमद अभी बरेली जेल में बंद है। उमेश पाल हत्याकांड में अशरफ अहमद भी नामजद है। एमपी एमएलए कोर्ट में फैसले के दौरान उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उमेश पाल मर्डर केस में भी अशरफ का नाम सामने आया है। शूटरों के उससे बरेली जेल में मुलाकात की खबरें भी सामने आई। इसके बाद उमेश पाल की रेकी शुरू हुई। अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज जेल में रखा जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जब पुलिस का काफिला रुका तो अतीक कैदी वाली वैन से बाहर आया और जब उससे मीडिया कर्मियों ने पूछा कि एनकाउंटर का डर लग रहा है तो अतीक ने जवाब दिया कि डर किस बात का। लेकिन अतीक कुछ भी कहे, उसके चेहरे के हाव भाव सब कहानी बयां कर रहे थे। वहीं बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को अतीक गैंग से 2005 में धमकी मिलने लगी थी। राजू पाल हत्याकांड में गवाही के बाद उमेश पाल का साल 2006 में अतीक अहमद गैंग ने अपहरण कराया था। इसी केस में सुनवाई प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार 28 मार्च को इस केस का फैसला आना है। अतीक अहमद को इसी के लिए प्रयागराज लाया जा रहा है, लेकिन अतीक और अतीक का परिवार एनकाउंटर के डर से सहमा हुआ है। स्पेशल रिपोर्ट ए न्यूज टुडे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ए न्यूज टुडे।